मम तुह प्रभाव हमारी नज़र दुनिया की नज़र बात करें सभी की नज़र चमत्कारों पर टिकी रहती है। कोई भी व्यक्ति हो परमात्मा से इतना मतलब नहीं है जितना चमत्कार से मतलब है। हमारी दृष्टि में परमात्मा का महत्व है कि चमत्कार का महत्व है? अभी तो चमत्कार का महत्व है, अभी नहीं, अनादिकाल से यही है और अनंत काल तक यही रहने वाला है, इसको तुम और मैं बदल नहीं सकते। अभी भी हमारी दृष्टि में परमात्मा नहीं है, और यदि वो चमत्कार नहीं करता तो हम उसको परमात्मा मानते भी नहीं। हमारी जो चमत्कार का कितना मूल्य है, भगवान तो सब एक ही हैं, 24 तीर्थंकरों में अंतर नहीं है, और यदि एक ही भगवान को लेके चले तो उस परमात्मा की झांझा प्रतिमा वो एक ही रूप में है। हमारी दृष्टि में आज भी परमात्मा इतने महत्वपूर्ण नहीं है, जितना महत्वपूर्ण क्या है, चमत्कार है ना। अब देखो कल्पना करो, अपन किसी भी मंदिर में जाएं, किसी भी मंदिर में जाएं और रोज परमात्मा की पूजा कर दें, और धातु की प्रतिमाएं बहुत होती हैं वहाँ पर, और हम उसकी उपेक्षा कर देते हैं, करते हैं कि नहीं? प्रतिमा की दृष्टि से, परमात्मा की दृष्टि से सभी प्रतिमाएं बराबर है, परमात्मा यानी परमात्मा के गुणों की दृष्टि से सभी प्रतिमाएं बराबर है, किसी में भेदभाव नहीं है, और हम धातु की प्रतिमाओं को इतनी उपेक्षा कर देते हैं, गौण कर देते हैं, रोज जाएं गौण कर देते हैं, और कलो किसी दिन उस प्रतिमा में से अमी झरना होना चालू हो गया जिसकी हम उपेक्षा कर रहे थे, और दूसरे दिन जाएंगे तो किसकी पूजा करेंगे, पहले मान भाव किसका रहेगा, वही परमात्मा की, जहाँ से अमी झरना हो रहा है, अमी झरना हुआ ना, उसका महत्व ज़्यादा रहना हमारे पास। परमात्मा जब तक अमी झरना नहीं हुआ उस प्रतिमा की, उस भगवान की हम उपेक्षा कर रहे थे, और जब अमी झरना हुआ तो जो दूसरे भगवान थे जिसके प्रति हम कहते हमारा बड़ा भाव है, कहते थे ना बड़ा भाव है, वो भाव पहले जितना रहा तो उसके प्रति ट्रांसफर हो गया, भाव ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ, किसके कारण ट्रांसफर हुआ, चमत्कार के कारण, चमत्कार। कोई बात नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ अभी भी हम चमत्कार नहीं देख रहे, चमत्कार भी देखना हो वीतराग और जगत गुरु के बिना कहीं चमत्कार है ही नहीं। यहाँ वीतराग और जगत गुरु की जय चमत्कार भी वही है, इससे बड़ा दुनिया में कहीं चमत्कार हमको मिलेगा नहीं। और जहां भी चमत्कार दूसरे आप देख रहे हो ना उसमें भी वीतराग और जगत गुरु का प्रभाव ही है। हजारों चमत्कार देखो उसका प्रभाव भी वीतराग और जगत गुरु का प्रभाव है, वहां चमत्कार है सबसे बड़ा चमत्कार। जितने भी जीव है उनमें देखो सबसे बड़ा चमत्कार भी तो और जगत गुरु का, वीतराग और जगत गुरु का। हम ना तो वीतराग जगत गुरु को वीतराग और जगत गुरु के नाम से जानते हैं और ना उनको चमत्कार के हिसाब से जानते हैं, वो भी मैं कहूँ कितना बड़ा चमत्कार। पांचों के पांचों कल्याणक का देखो कितना बड़ा चमत्कार, ऐसा चमत्कार कहीं आपने देखा? परमात्मा के पांचों कल्याणों का चमत्कार देखो, सबसे पहले चमत्कार देखो परमात्मा का चमत्कार, अरिहंत वंदनावली उठा के देखो सारे के सारे चमत्कारों की चर्चा, चमत्कार को के प्रभाव प्रभाव बात एक ही है, तेरे प्रभाव से हो चमत्कार, उसका प्रभाव क्या है, ऐसा प्रभाव नहीं, और दुनिया में किसी जीव का ऐसा प्रभाव नहीं है जो वीतराग और जगत गुरु का है। हे तू प्रभाव भैवम, हे भगवान, भगवान का प्रभाव, तुम सारी दुनिया इकट्ठी हो जाए, सारी के सारे देवी देवता इकट्ठे हो जाए, सारे के सारे चौधर तो अभी परमात्मा के एक अंश भी चमत्कार का प्राप्त नहीं कर सकते। सारे चमत्कारों को मिला दो, च्यवन के समय चमत्कार देखो, च्यवन के समय का चमत्कार,
नारकों में उज्वाला होना यह कितना बड़ा चमत्कार है, ये तुम्हें चमत्कार नजर नहीं आ रहा हमको? दूसरे देवी देवताओं का चमत्कार देख रहा है, लाख कोशिश करो नारकों में उज्वाला कर सकते हो, उजाला कर सकते हो, प्रकाश कर सकते हो, कितना बड़ा चमत्कार। कैसा महापुरुष, अभी तो जन्म ही नहीं आया, माँ के गर्भ में आया और गर्भ में आने के बाद नारकी के जीवों को भी सुख की अनुभूति, और वहां भी प्रकाश या अंधेरा रहता है, अंधेरा ही अंधेरा है, चाहे पहली नारकी हो, चाहे दूसरी हो, चाहे सातवीं हो, हर नारकी में अंधेरा ही अंधेरा है, और उस नारकियों में भी उजाला हो जाए किसके कारण है? किसके कारण? परमात्मा भी जन्म नहीं हुआ, मात्र माँ के गर्भ में आए हैं। चमत्कार देखो यार, गर्भ में आने पर चमत्कार, ऐसा कोई देवी देवता ये क्या है? इसीलिए कहा हो मामा मतु प्रभाव भैवम, तेरे प्रभाव से हो नारकियों के भी सुख मिला, नारकियों के अपने प्रभाव से नहीं मिला। क्षण भर मात्र भी जो नारकी के जीवों को सुख मिला, उनके अपने प्रभाव से मिला, किसके प्रभाव से मिला? परमात्मा हो मामा बतू प्रभाव, उसका प्रभाव तो नारकियों पर भी है, कौन सा जीव उसके प्रभाव से वंचित है? हम समझ नहीं रहे, नारकी भी समझते हो क्या, कुतूहल हो गया, क्या हो गया, प्रकाश हो गया, हो क्या, कितना बड़ा वो व्यक्ति है, कितना बड़ा व्यक्तित्व है उसका, इतनी महानता लेकर के आया है। जन्म तो बात की दूर है, बाकी तो बात की दूर है, अभी तो गर्भ में आया है, और गर्भ में आने पर देखो ऐसा कोई भी महापुरुष है? देवता लोग इतने जिनको हम चमत्कारी कह रहे हैं, वो लाख कोशिश कर लें, एक नगर में उजाला नहीं कर सकते, तो सबसे बड़ा चमत्कार है किसका? हम चमत्कार किसी देवी देवताओं के चमत्कारों के चक्कर में पड़े और कह रहे सबसे बड़ा चमत्कार इसका है, अभी तक हमें चमत्कार देखना भी नहीं आया, ना तो वीतराग में वीतरागता दिखी है, और ना वीतरागता में जगत गुरु दिखाए, और ना वीतरागता का चमत्कार दिखाए, कहीं तरह के वीतराग में वीतरागता का चमत्कार, कितना बड़ा चमत्कार। हम इनको बिल्कुल सामान्य घटना ले, और छोटी सी कहीं बात हो गई ये चमत्कार, उस देवी देवता ने चमत्कार इतना बड़ा चमत्कार करके तो बताओ, सभी में इकट्ठे होके मिल जाए तो भी चमत्कार नहीं हो सकता? कैसा उजाला हो गया, पहली नारकी में भी उजाला हुआ, दूसरी में भी, तीसरी भी, चौथी में भी, हर पहली नारकी से अंधेरा दूसरी में ज़्यादा, दूसरी तीसरी, हर अंधेरा बढ़ता जाता है, चमत्कार भी होता जा रहा है। तुमको ये घटना चमत्कार नहीं लगती क्या? लगती है, कभी लगा चमत्कार? ये थोड़ो भले चमत्कार है, एक मिनट, वो भी मैं कह दूंगा चमत्कार है, पर चमत्कार को प्राप्त तो करो तुम, चमत्कार को भी हासिल करने की योग्यता तो चाहिए। परमात्मा का चमत्कार अनंत है, अनंत है, अनंत है, तुम चमत्कार कैसे प्राप्त कर सकते हो? हर जीव ने परमात्मा का चमत्कार नहीं, किसी ने ज्यादा किया, किसी ने, मैं चलो कैसे प्राप्त करते हैं ये भी बात कह दूं, फिर ये बात कहता हूं। देखो पावर हाउस में कितनी बिजली है, कितनी बिजली का स्टॉक है उसमें, कितनी बिजली है पावर हाउस में? बहुत बिजली है ना, बहुत बड़ी कमी, बिजली की कमी है कि नहीं भाई? कितनी जगह वो प्रकाश हो रहा है, कितनी बिजली है पावर हाउस में, पूरे के पूरे बम्बई को आलोकन अवलोकित कर रहा है, किंतु वो बिजली होने पर भी भले किसी ने कनेक्शन लिए भी, अपन ने कनेक्शन लेने की बात करें, नहीं लिया तो छोड़ो, जिन्होंने कनेक्शन लिया है हमारे घर में भी कनेक्शन है, समझो किसका कनेक्शन है, बिजली का कनेक्शन है, बिजली के कनेक्शन से हम बिजली प्राप्त कर सकते हैं नक्की, और बिजली कितनी मिलेगी हमको पता है, प्रकाश कितना है कहाँ पता है नहीं, देखो
बिजली है, कनेक्शन लिया आपने, आपने यदि उसमें कनेक्शन में जो बल्ब है आपके पास जीरो पावर का लगाए तो रोशनी कितनी होगी? 100 पावर का लगाए तो रोशनी कितनी होगी? 500 का लगाए तो? 1000 का लगाए तो? पावर आपकी गलती है, आपको प्रकाश का अपने ज़्यादा प्रकाश चाहिए तो पावर बिजली बदल दो, बल्ब बदल दो। वहाँ तो वो तो मना नहीं कर रहा ना, हमको रोशनी यदि कम मिल रही है तो गलती उसकी नहीं है, हमने बल्ब छोटे पावर जीरो पावर का लगाया है, गलती उसकी थोड़ी हुई। वीतरागता में अनंत वीतरागता है, उसके चमत्कार उसका प्रभाव भी अनंत है, पर हमारा जो बल्ब है वो कितने पावर का ये तो देखो नहीं आ रहा, तो हमारी आत्मशक्ति में कुछ कमियां, हमारा उसके चमत्कार की बात कर रहे हैं हम कि उसका प्रभाव नहीं मिल रहा, बिजली कम आ रही है, ज्यादा दूसरे के घर में रोशनी ज्यादा है, मेरे घर में रोशनी कम नहीं, पर बदलने के लिए तैयार कहां हूं? रोशनी तो है ना, हाँ उसमें तो अनंत है, वो तो मना कर भी नहीं रहा, जितना मर्जी तुम प्रकाश लो, जितना मर्जी उजाला करो, पर उजाला कितना होगा? जितने पावर का बल्ब होगा उतने पावर का ही उजाला होगा। दोष पावर हाउस का नहीं है, कमी किसमें है? किस में है? बल्ब में है या पावर हाउस में है? बल्ब में है ना, तो बल्ब हम तो बल्ब हैं, जितना जलाएंगे उतना ही प्रकाश आएगा, उसमें तो अनंत है भाई। अनंत होने पर भी हमको क्यों नहीं मिल रहा? ये तो तुमने कहा तो उनकी बात का जवाब दे रहा हूँ, अनंत होने हमको क्यों नहीं? हमारा बल्ब एक जीरो पावर का है ना, और यदि जीरो कल्पना करो जीरो पावर का तो भी आ जाएगा, और यदि बल्ब फ्यूज हो तो? पहले तो देखो बल्ब फ्यूज है कि नहीं, बल्ब फ्यूज तो नहीं हुआ, बल्ब का कहीं तार का कनेक्शन तो ठीक है कि नहीं, कट का चालू किया कि नहीं किया, सब देखना पड़ेगा कि नहीं गया। बल्ब भले ज्यादा लगा दो कट का चालू ना करो, और बड़ा बल्ब है तो फ्यूज है तो भी सब देखना पड़ेगा ना, एक चीज थोड़ी प्रभाव तो है, उसका आनंद प्रभाव तो है, पर हम उसका प्रभाव प्राप्त क्यों नहीं कर पा रहे हैं? प्रभाव को प्राप्त करने के लिए भी तो शक्ति चाहिए ना, शक्ति तो चाहिए ना, केवल ज्ञान के लिए भी शक्ति चाहिए जयराम। और यदि इस शरीर में केवल ज्ञान यदि अपने को हो जाए तो केवल ज्ञान टिक नहीं सकता, शरीर फट जाएगा, क्यों? उसके लिए भी वज्रषभ नारायण का सहनन चाहिए, वज्रषभ नारायण के बिना केवल ज्ञान नहीं होता, क्योंकि उसकी भी शक्ति है, शरीर सहन करे केवल ज्ञान की शक्ति कहां सहन कर पाएगा, उसके लिए भी शक्ति चाहिए ना। इसी तरह से परमात्मा का प्रभाव तो अचिंत्य है, इसलिए कल भी मैंने शब्द कहा था, पंचसूत्र के सूत्रकार ने बड़ा अच्छा शब्द दिया है, अचिंत चिंतामणि, और दूसरे दिया अचिंत सत्ती जुत्ता, दोनों शब्द हैं वहाँ पर, अचिंत सत्ती जुत्ता भी है और अचिंत चिंतामणि है। परमात्मा का प्रभाव कैसा है? अचिंत चिंतामणि, चिंतामणि रत्न का तो हम विचार, अचिंत यानी जिसका तुम विचार कल्पना चिंता भी नहीं करते थे, चिंतन भी नहीं करते, विचार भी नहीं करते, ऐसा अद्भुत प्रभाव है, ऐसा चिंतामणि रत्न का प्रभाव है। चिंतामणि का रत्न का प्रभाव हम कल्पना कर सकते हैं, पर अचिंत चिंतामणि जिस चिंतामणि की कल्पना भी नहीं की जा सके, ऐसा प्रभाव नरक में होने वाला, ये तो अभी जन्म लेने के पहले की घटना है। सिंहासन डोलायमान हो जाना, देवता का इंद्र का सिंहासन, अचल सिंहासन, ये चमत्कार नहीं है क्या? और हम किन चमत्कार देख, परमात्मा का चमत्कार तो देखो। अरे मैंने चमत्कार की दृष्टि पे वीतराग से जुड़ो, भले चमत्कार की दृष्टि से तो जुड़ो तो सही, ऐसा चमत्कार कहाँ मिलेगा? सिंहासन डोलायमान हो जाना, ये तो अभी जीवन के समय देखो, जन्म के समय देखो,
और च्यवन के बाद जब आया है नगर का वातावरण कैसा हो गया है? नहीं चीजों को घर का नहीं, पूरे के पूरे नगर का वातावरण भाव कैसे बदल गए हैं, एक एक चीज की घटना देखो। अरियंत वंदनावली उठा के देखो ना, पांचों के पांचों कल्याणकों का चमत्कारी है वहां पर। हम कौन से चमत्कार, इतना बड़ा चमत्कार है कहाँ, इसके ज्यादा प्रभाव है कहाँ। अभी भी देखो सबसे कमी बात, अभी भी हमें परमात्मा के चमत्कारों की बात नहीं है, दूसरे के चमत्कार पे ज्यादा आस्था। भी इतना बड़ा चमत्कार, हर क्रिया में तुमको परमात्मा का चमत्कार नजर नहीं आ रहा। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, चलो परमात्मा को केवल ज्ञान हो गया, उनकी भक्ति में देवता लोग भक्ति में स्व इच्छा से, इच्छा परमात्मा की नहीं है, स्व इच्छा से भक्ति से पूज्य भाव से अष्ट प्रत्याहारों की रचना करती है, करते हैं कि नहीं करते? अष्ट प्रत्याहार कौन कौन से अष्ट प्रत्याहार याद है? अशोक वृक्ष पुष्प वृष्टि दिव्य धुनि चामर मासनम च भामंडलम धुंदुरात पत्रम सत प्रत्याहारी हरि जिनेश्वराणा है। अशोक वृक्ष आदि अष्ट प्रत्याहारों की रचना की और उनकी सुंदरता देखो, उनकी भव्यता देखो। अशोक वृक्ष देख कई लोगों को के मन में वैराग्य पैदा हो जाता है। एक एक प्रत्याहारी को देखो, सुरपुर दिव्य धुनि के देखो, आसन को देखो, सिंहासन को देखो, समम शरण को देखो, कितनी भव्यता कितनी दिव्यता। और अशोक वृक्ष को देखो, और आपको क्या लगता है देवताओं ने रचना किसने की है? भगवान ने रचना की है कि देवताओं ने रचना की है? परमात्मा ने तो नहीं की, पर इसमें भी जो विशिष्टता दिव्यता भव्यता आई है वो देवताओं के कारण नहीं परमात्मा के कारण आई है। भले ही रचना देवता करे तो क्या है, और यदि परमात्मा के बिना भी सभी देवी देवता मिलकर भी रचना करें अष्ट प्रत्याहार की, ऐसी दिव्यता भव्यता नहीं आ सकती। किसका प्रभाव है? कहने में तो देवताओं ने रचना की है, पर उसके पीछे प्रभाव भी किसका है? परमात्मा का प्रभाव है। देवता रचना कर ले, अरे ऐसा कल्प वृक्ष इंद्र के पास भी नहीं है, खुद इंद्र के पास भी नहीं है, रच भी नहीं सकते। प्रभाव किसका है? हो ममा में तू प्रभाव हो। हम हर क्रिया में अपना प्रभाव जाते हैं, देवता कहते हम रच रहे हैं, रच रहे हो तुम? परमात्मा के बिना कोई रच के बता दो, परमात्मा नहीं है उसके बिना रच के बता दो, वैसी दिव्यता ले आओ। और वैसे अष्ट प्रत्याहारी यदि रचते भी हैं, एक तो दिव्यता नहीं आएगी और देखने के बाद उसमें वैराग्य पैदा नहीं होगा। किसका प्रभाव है? और तुम तो कहते हो देवता रच रहे हैं, प्रभाव किसका? देवताओं के कि परमात्मा का? पर आज तक तुम प्रभाव किसका मान रहे हो, देवताओं के परमात्मा का मान रहे हो? तो परमात्मा का देवता का क्या प्रभाव? परमात्मा को अलग कर दो फिर रच के बता दो तुम, नहीं है। अभी भी समझो उसका प्रभाव कैसा है। अरे जिसने अभी जन्म नहीं लिया उससे पहले उसका प्रभाव है, और जन्म के बाद क्या प्रभाव होगा उसका? इंद्र को बुलाता है, इंद्र का अभिषेक देखो, 56 दिव्य कार्यों को देखो, एक एक घटना देखते जाओ, आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। नरक के ज्वाले की तो ठीक है, उसके बाद की भी एक एक घटना देखो। नहीं एक एक घटना देखो, अभी तो बच्चा है, जन्म ही नहीं हुआ, जन्म का हुआ है, कितने दिन का है? दिन की नहीं कुछ ही घंटे का ही है, कुछ घंटे भी नहीं कुछ समय का ही है, और उस समय इतने पानी को सहन कर सके, इतनी बड़ी शक्ति, इतने है? कितना पानी है, कितना जल है? अभी जन्म हुआ, जन्म लेने के तुरंत बाद इतने जल के प्रवाह को सहन करने की शक्ति किसमें है?
परमात्मा के अलावा किसी में इतनी शक्ति किसी में नहीं है। कल्पना करो, अरे ऐसा देवाधिदेव परमात्मा हमको मिल गया है और फिर भी अभी भी हमारे मन में वो भाव नहीं आ रहा। मिलने के बाद भी मिल गया परमात्मा हमको, कारण है मुफ्त में मिल गया, हम जान नहीं रहे। हीरा मिलने के बाद, हीरा मिल गया, देखो हीरा मिलना एक अलग चीज है और हीरा मिलने के बाद उसकी कीमत का पता होना एक अलग चीज है, दोनों में बड़ा अंतर है। हीरा मिलना जितना महत्वपूर्ण है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है उसकी कीमत का पता होना। हीरा मिल गया तो उसे कोई लाभ थोड़ी है, कोई बात नहीं, कहीं घटना लाभ थोड़ी है, उसकी कीमत का पता नहीं है, उसके मूल्य का पता नहीं है, फिर क्या करोगे? ये तो हीरे से मूल्य भी बढ़कर है। परमात्मा मिल गया आपको यार, उसकी देशना मिल गई, उसके वचन मिल गए, उसकी आज्ञा मिल गई, और क्या चाहिए फिर? उसकी जय नहीं है ना, इसीलिए जय शब्द पहले दिया है, वीतराग की जय नहीं है, जगत गुरु की जय नहीं है। जय किसकी है अभी? अंदर किसकी जय है? पहले शब्द इसलिए जय किया है, प्रार्थना करनी तो पहले जय आएगी। जय क्या चीज है? परमात्मा का प्रभाव देखो, अनंत कितना कितना प्रभाव, एक एक घटना का चमत्कार। जीवन का देखो कि जन्म का देखो के बीच की घटना को देखो। परमात्मा महावीर स्वामी जी छद्मस्त काल की बात, तीर्थंकर बनने से पहले की बातें देखो आप, विचार विहार कर रहे थे, करते करते रास्ते में गंगा नदी आ गई। अब गंगा नदी आई, परमात्मा को उस पार जाना था, परमात्मा एक नाव तैयार बैठी थी, उस पार जाने के लिए यात्री भी बैठ रहे थे, परमात्मा भी नाव नौका में जाके बैठ गए। नाविक ने देखा सभी यात्री बैठ गए, नौका भर गई है, वो नौका को चलाने की तैयारी करता है। जैसे नौका को चलाने की तैयारी करी, इसलिए उसी समय उतने में ही नदी के किनारे एक वृक्ष था और वृक्ष पर उल्लू बैठा हुआ था, उल्लू आवाज करता है, उल्लू आवाज कर रहा है, ये कल्पसूत्र की घटना है, प्रतिवर्ष सुनती हो आप लोग, उल्लू आवाज करता है, आवाज यानी अपशकुन, उल्लू की आवाज अपशकुन कही जाती है। उसने अपशकुन किया, उसी यात्रा में एक नैमित्तिक छोबिक नाम का नैमित्तिक भी बैठा हुआ था और उसने जब देखा कि उल्लू ने आवाज की है, वो समझ गया कि कुछ बड़ी घटना अनहोनी होने वाली है, अशुभ घटना है। उसने उस समय भविष्यवाणी कर दी कि भाई ये नाव में मारणांतिक उपसर्ग आएगा आएगा आएगा, आने ही वाला है। और लोगों ने सुना कि भाई अब तुम सोचो कि किसी बस में ट्रेन में जा रहे हो, सफर करने की तैयारी करो प्लेन में, और पता लग जाए कि ये तो आगे से कुछ ना कुछ उपद्रव आने वाला है, बैठे रहोगे कि उतर जाओगे? उतर जाओगे ना कि बैठे रहोगे? बस लोगों ने भी सोचा कि भाई अभी तो उपद्रव आने वाला, अब इस नाव में अपन दूसरी नाव में जाएंगे भाई। क्यों? नैमित्तिक ने जो उसके विषय में जाना जाता था वो जानते थे, नैमित्तिक गलत घोषणा नहीं कर रहा, इसकी घोषणा सत्य है, ये जानकार है, अष्टांग निपत का ज्ञाता है, और उसकी घोषणा पर विश्वास करके और लोगों ने उतरना चालू कर दिया। इधर नाविक भी घबराया कि क्या बात, अब लेके जाऊं कि न जाऊं। इतने में उसकी दृष्टि, नैमित्तिक की दृष्टि जो नाव में जो यात्री बैठे हुए थे, परमात्मा के ऊपर जाती है। परमात्मा को देखता है, छद्मस्त काल है, कोई केवल ज्ञानी नहीं है, और परमात्मा को देखकर, उनके लक्षणों को देखकर दोबारा घोषणा करता है कि चिंता मत करो, मारनंद को सर आएगा सो आएगा, वो तो उल्लू ने कहा है, उल्लू ने संकेत दिया है, उल्लू का निमित्त है, उल्लू का शकुन है, अपशकुन हुआ है, चिंता मत करो, हमारे पास नौका में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, वो देखता नहीं, उसको नहीं पता ये भगवान है, वो तो इंसान देख रहा है, आदमी देख रहा है, भगवान थोड़ी देख रहा है कोई, और दूसरे यात्रियों को भी इंसान लग रहा है, भगवान थोड़ी लग रहा है कोई, और उसको देख के घोषणा कर रहा है चिंता मत करो आने दो, ये व्यक्ति नौका में बैठा हुआ है,
हमारी नौका इस व्यक्ति के कारण सकुशल पार हो जाएगी, चिंता मत करो इसके प्रभाव के कारण। आने दो अल्लू को, बोलने दो। सच हुआ भी ऐसा ही, घटना पर जानते हो। और जब देखा लोग बैठ गए इसके प्रभाव से, हम तो नौका पार हो जाएगी हमारी। किसके प्रभाव से? परमात्मा का प्रभाव देखो। और बैठे और सच मारनांदी को उपसर्ग आया और नौका सकुशल पार हो गई। किसके कारण? परमात्मा महावीर के कारण। ये देखो परमात्मा का प्रभाव। तू प्रभाव हो, तेरे प्रभाव से हो। क्या प्रभावों के देख रहे हैं, क्या चमत्कारों के देख रहे हैं अपन? कितने प्रभाव परमात्मा के? एक नहीं, अनंत प्रभाव। ऐसी शक्ति किसी और जीव में नहीं है। परमात्मा में चाहे पुद्गल की शक्ति हो, चाहे आत्मा की शक्ति हो, दोनों शक्ति एक, दोनों शक्तियों का प्रादुर्भाव भावे। देखो परमात्मा में ऐसी शक्ति पैदा कैसे होती है? परमात्मा का ऐसा प्रभाव पैदा कैसे हुआ है? परमात्मा से ऐसा चमत्कार कैसे हुआ? परमात्मा चमत्कार कर नहीं रहे, कर रहे हैं? कर नहीं रहे, हो रहे हैं, कर नहीं रहे। बाकी देवी देवता करते हैं, समझो, एक मन अंतर समझो। जो छद्मस्थ दूसरे देवी देवता है वो चमत्कार कर रहे हैं अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए, परमात्मा कुछ कर नहीं रहे, स्वतः हो रहे हैं। परमात्मा ने कहा थोड़ी केंद्र का सिंहासन चलायमान हो जाए, कहा क्या? 56 दिक्पालों को पता लग जाए, आ जाए, किसी को नहीं कहा। मेरी पर्वत अभिषेक कहा किसी को? अपने आप हो रहा है। वर्षीदान अपने आप हो रहा है, व्यवस्था अपने आप हो रही है, समावसन अपने आप रचा जा रहा है, हर चीज अपने आप स्वतः हो रही है। क्या कारण? दुनिया में दो चीजों का ही महत्व है, और दो चीजों में भी हमारी दृष्टि में एक ही चीज है, जानते हो? आकर्षण। हमारी दृष्टि में सबसे बड़ा आकर्षण किसका है? सही बात है, किसका आकर्षण? पुण्य का, पुण्य तत्व का आकर्षण है। इतना कुछ करने के बाद भी अभी तो हमारे आत्म तत्व पर नहीं पहुंचे, आकर्षण पुण्य तत्व का ही है। और कितना भी बड़ा पुण्य हो, है तो कर्मजन्य ही है, तो पुद्गल ही नहीं है, आत्मा का नहीं, पुण्य का ही आकर्षण है। समझो, कितना बड़ा भी पुण्य हो, आखिर है कर्म रज। पुण्य का आकर्षण के अलावा दूसरा आकर्षण नहीं है। परमात्मा को हम देखते हैं, परमात्मा में दो चीजें घटित होती हैं, पुण्य भी घटित होता है, और दूसरी चीज जानते हो क्या घटित होती है? उसमें हमारा आकर्षण नहीं है, ध्यान भी नहीं है। एक पुण्य और दूसरा गुण। गुण देखो, पुण्य देखो तो परमात्मा का देखो, गुण देखो तो परमात्मा के देखो। दोनों चीजें हैं परमात्मा के पास, गुण भी और पुण्य भी है। और गुण जितने भी गुण हैं परमात्मा के, सारे शायिक गुण हैं, समझे ना, औपशमिक नहीं है, चाहे पौषमिक नहीं है, शायिक गुण हैं। आत्मा के गुण हैं, शायिक गुण प्रकट हुए हैं परमात्मा में एक साथ। और परमात्मा का जो पुण्य भी है ना, सभी की सभी पुण्य प्रकृतियां एक साथ उदय में आई हैं, एक साथ उदय में आना। हमारा कितना भी पुण्य एक साथ उदय में नहीं आता, सारी की सारी पुण्य प्रकृतियां, 42 जो पुण्य प्रकृतियां एक साथ उदय में आना किसी जीव में नहीं है परमात्मा के अलावा। पुण्य का भी देखो, यानी पुण्य के भी शिखर का स्पर्श कर लिया और गुणों के भी शिखर का स्पर्श कर लिया, ऐसा परमात्मा हमारा। गुण में देखो कैसे गुण, और पुण्य में भी देखो,
गुणों की दृष्टि से देखो तो परमात्मा को देखो, पुण्य की दृष्टि से देखो तो परमात्मा को देखो। कितने बड़े कितने की गुण, कितना बड़ा पुण्य। इसलिए परमात्मा को कहने, सब काम परमात्मा के पुण्य से हो रहा है। परमात्मा के पास दोनों चीजें हैं, पुण्य भी और परमात्मा की दृष्टि पुण्य पर नहीं है, परमात्मा की दृष्टि गुणों पर है। हमारी सारी दृष्टि का खेल है, हमारी दृष्टि पुण्य पर है कि गुणों पर है। और परमात्मा का इतना पुण्य होने भी परमात्मा हर पुण्य की उपेक्षा कर रहे हैं। उनका लक्ष्य मात्र एक ही, चाहे संयम लिया चाहे न लिया, लेने के बाद भी और लेने से पहले भी, मात्र आत्मगुणों को प्रकट करना एक ही लक्ष्य है। परमात्मा महावीर स्वामी जी के दो नाम प्रसिद्ध हैं, वैसे तो कई नाम हैं, दो नाम प्रसिद्ध हैं, कौन कौन से? वर्धमान और महावीर। दोनों नामों में अंतर समझो, एक तो वर्धमान और दूसरा महावीर, दोनों नामों में अंतर है। महावीर जो नाम है वह परमात्मा के पुण्य से संबंधित नहीं है, वह परमात्मा के गुणों से संबंधित है, और जो वर्धमान नाम है वह परमात्मा के गुण से नहीं, परमात्मा के पुण्य से संबंधित है। अंतर है दोनों में। हमारी दृष्टि कहाँ है? माता पिता ने जो नाम रखा है परमात्मा के पुण्य से आकर्षण होकर नाम रखा है, पुण्य का आकर्षण है। अरे जब आया है वृद्धि 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 वृद्धि, वर्धमान वर्धमान होता जा रहा है, चलो नाम रख देती है, इसके कारण हुआ, और हुआ भी उसी के कारण है। ऐसा बात नहीं कि नहीं हुआ, हुआ भी उसी के कारण है, और इसी के सामने आकर उन्होंने ये नाम रखा है। वर्धमान महावीर की आत्मा से संबंधित नाम नहीं है, किससे संबंधित है? पुण्य से संबंधित नाम है। गलत नहीं है, इसका मतलब गलत है ऐसा नहीं है, पुण्य से संबंधित नाम है। उनके पास इतनी दृष्टि नहीं थी, विवेक था, ऐसी बात नहीं, विवेक और दृष्टि में अंतर आता है, था पर इतनी दृष्टि नहीं थी कि भविष्य में ये कैसा बनेगा क्या करेगा। वर्तमान को लक्ष्य में रखकर उन्होंने नाम रखा है वर्धमान। और इंद्र के पास अवधि ज्ञान भी है, सिद्धार्थ और त्रिशला के पास अवधि ज्ञान नहीं है, मति और शुद्धि है, अवधि ज्ञान नहीं है। और उन्होंने देखा पुण्य, नाम रख दिया। जब इंद्र का वक्त आया उसने कहा यार ये क्या, ये तो इतना वीर, कर्मों का विदारण करने वाला वीर, और वीर नहीं बड़ा निर्भय। अरे कितना बड़ा निर्भय, कितनी बड़ा शक्तिशाली, अंगूठा लगा दिया और मेरी पर्वत नाचने लगा। बचपन में ही कैसे उपसर्गों का सहन किया उसने, अमल क्रीड़ा के उदाहरण देखो और बाद के भी उदाहरण देखो। इसीलिए जब इंद्र ने देखा अवधि ज्ञान में देखा तो अब इंद्र ने इसका नाम क्या रखा, क्या रखा? महावीर। ये महावीर है, सब दुनिया उसको वर्धमान कह रही है, और इंद्र क्या कह रहा है? महावीर भी नाम गलत नहीं है, महावीर उस आत्मा के गुणों की दृष्टि से किया गया नाम है। दोनों चीजें हैं, गुण को भी देखो और पुण्य को भी देखो। पुण्य का संबंध पौद्गलिक चीजों से है, पौद्गलिक चीजों से है। गुणों का संबंध पौद्गलिक चीजों से नहीं है, आत्मा से है। व्यवहार की दृष्टि से कहूँ, व्यवहार की दृष्टि से कहूँ, दुनिया व्यवहार देखती है। क्या देखती है? व्यवहार देखती है, तुम्हारा व्यवहार कैसा है। दुनिया व्यवहार देखती है, अच्छे से अच्छा तुम्हारा व्यवहार देखती है। नियत कितनी भी अच्छी हो तुम्हारी,
कितने भी अच्छी साफ सुथरी नियत हो, दुनिया तुम्हारी नियत नहीं देखती, तुम्हारा व्यवहार देखती है। व्यवहार का संबंध गुणों से नहीं पुण्य से भी होता है, समझना। व्यवहार एक अलग चीज है, दुनिया की नजरों में तुम्हारी नियत का कोई महत्व नहीं है। अच्छी नियत हो, कितनी भी अच्छी नियत के तो क्या करो, व्यवहार देखेगी। और मेरे में सबसे बड़ी काम यही है, मुझे व्यवहार करना नहीं आता यार। आप लोगों से कैसे व्यवहार करना, ट्रस्ट मंडल से कैसे व्यवहार करना, दूसरों से कैसे व्यवहार, मेरे को करना आता ही नहीं है, ये मेरी बड़ी कमी है। व्यवहार करना आता ही नहीं है, इसीलिए मैं तो कई बार कहता हूँ वो एक गीत आता है ना, सब कुछ सीखा मुने, हाँ सब कुछ सीखा मुने, न सीखी होशियारी, सच्चे दुनिया वालों चिदानंद है अनाड़ी। सीधी सी बात, मैं तो कई बार कहता हूँ सच मेरे को आता ही नहीं है यार, आता ही नहीं, मैं समझ ही नहीं यार। हाँ तुमको शास्त्र की बात पढ़नी है तो मैं मेरे से पूछ सकता हूँ, व्यवहार मैंने सीखा ही नहीं, आता भी, और मेरे को ध्यान भी नहीं यार, किससे ये बड़ा छोटा कैसे व्यवहार, क्या करना क्या नहीं करना है। पर व्यवहार को कौन सा धर्म है, जो निश्चय तक ले जाएंगे वो व्यवहार धर्म है, यदि निश्चय तक नहीं ना तो वो व्यवहार दम्भ कपट माया है। जो निश्चय तक ना ले जा सके वो व्यवहार व्यवहार नहीं है, वो दम्भ कपट है, माया है, हाँ प्रपंच है। व्यवहार वो पहले निश्चय की बात, व्यवहार बाद में, पहले निश्चय की बात, ये व्यवहार धर्म तो दम्भ कपट माया है। इतने इतने कर रहे हैं, इतने कर रहे हैं, अंदर द्वेष भर के तो व्यवहार की बात कर रहे हैं, अंदर कपट रख के व्यवहार की बात कर रहे हैं, माया रख के व्यवहार की बात कर रहे हैं। व्यवहार मात्र इसलिए कि दूसरे को बुरा ना लगे, दूसरा अच्छा करे और दूसरी मेरी वाहवाह करे, बस चापलूसी का व्यवहार है। व्यवहार नहीं है, चापलूसी है। व्यवहार तो व्यवहार है, व्यवहार तो तीर्थंकर भी करते हैं, महावीर भी करते हैं, अरिहंत आचार्य पद व्यवहार करते हैं, ये चापलूसी नहीं करते, ये तो चापलूसी है व्यवहार के नाम पर। और है क्या, वो खुश रहे। इसीलिए गुरुवल्लभ ने एक बात कही थी, वो कहते हैं हमारे लिए परमात्मा के लिए एक विशेषण है और उनके अनुयायियों के लिए एक विशेषण है, तिन्ननम दार्यानम। क्या है, तिन्ननम दार्यानम, खुद तरने वाले और दूसरों को तारने वाले, यही है ना। और गुरुवल्लभ ने एक बात कही कि आज की तारीख में सत्यवाद भक्त साधु को नहीं कह पाते और साधु भक्तों को नहीं कह पाता। वो भक्त सोचते हैं साधु नाराज हो जाएगा, साधु सोचते हैं भक्त नाराज हो जाएगा, दोनों एक दूसरे की चापलूसी करते हैं, इसलिए तिन्ननम दार्यानम कह गए, डुबानम डुब गया। हम भी डूबे, तुमको डूबो, और इसका नाम व्यवहार, दोनों डूबे, इसका नाम व्यवहार। ये व्यवहार नहीं, डुबाने वाला व्यवहार नहीं, व्यवहार तारने वाला होता है, जिसमें निश्चय नहीं की प्रधानता होती है। चाहिए व्यवहार नहीं, निश्चय चाहिए व्यवहार, ऐसी बात नहीं। पर व्यवहार कैसा, पहले नियत की बात करो, मैं कह रहा था दुनिया क्या देखती है, व्यवहार देखती है कि तुम्हारी नियत देखती है। नियत भी और व्यवहार ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग चीजें हैं। व्यवहार एक अलग चीज है और नियत एक अलग चीज है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। दुनिया की नजरों में हमारा व्यवहार है कि हमारी नियत है, दुनिया की व्यवहार की नियत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया की नजरों में हमारी नियत की कोई कीमत नहीं है, दुनिया की नजरों में हमारे व्यवहार की कीमत है कि नहीं। परमात्मा की नजरों में व्यवहार कितना भी अच्छा हो, परमात्मा की नजरों में हमारी नियत की कीमत है, व्यवहार की कीमत नहीं है। परमात्मा नियत को देखता है, व्यवहार को नहीं देखता, नियत देख रहा है। दुनिया की नजरों में व्यवहार है तो क्या हुआ, हाँ यदि तुम्हें दुनिया की नजरों में बसना है तो व्यवहार देखो, परमात्मा की नजरों में बसता तो नियत देखो। दुनिया नियत को थोड़ी देख रही है, परमात्मा को नियत को देखता है। और दुनिया को क्या पता कि महावीर की नजरों में पुनिया की कीमत है, क्या व्यवहार वो नहीं कर रहा, व्यवहार पुनिया भी तो कर रहा है। व्यवहार पहले निश्चय को रखा फिर व्यवहार कर रहा है। हाँ
व्यवहार तो पुनिया भी कर रहा है ना, क्या नहीं कर रहा उसकी क्यों, उसे नियत भी उसकी देखो कैसी है, और परमात्मा की नजरों में नियत देख के उसने कहा बन जाए श्रेणी को भेजा जाओ पुनिया के पास, नरक से बचना चाहता है, व्यवहार देख के नहीं देखा, उसकी नियत देख के भेजा है। दुनिया को तो पता नहीं, राजा को पता नहीं, मेरे एक नगर में भी कोई पुनिया नाम का श्रावक है जो महावीर की नजरों में बसा हुआ है। व्यवहार है चाहिए, ऐसी बात नहीं है, पर पहले इसीलिए यशो विजय जी ने बहुत एक अच्छी बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है निश्चय और व्यवहार को लेकर, बहुत अच्छी बात कही है। वो कह रहा है निश्चय ने हृदय धरी पाले जे व्यवहार ते पुण्यवंत पाम से भवसागर नो पार। क्या कहा है, निश्चय ने हृदय धरी पाले जे व्यवहार, पहले निश्चय ने को हृदय में धरो फिर व्यवहार का पालन करो। खाली निश्चय ने को हृदय धरे बिना व्यवहार का पालन किया तो वह पार नहीं पाएगा, पहले निश्चय ने हृदय धरी, निश्चय का पालन नहीं होता, निश्चय ने हृदय में धारण करने के लिए होता है, पालन तो व्यवहार का ही होता है। पर कब, निश्चय ने को पहले हृदय में धरो फिर व्यवहार का पालन करो। यदि निश्चय को हृदय में धरोगे तो सबसे बड़ी बात जीव मात के प्रति मैत्री भावना आएगी, फिर बाद में व्यवहार आएगा, द्वेष चला जाएगा, जीव मात के प्रति द्वेष चला जाएगा। और निश्चय के बिना चारों भावनाएं मैत्री पूर्ण कारण मात्र, निश्चय के बिना जीव नहीं धारण कर सकता। पहले ये निश्चय धारो करो फिर व्यवहार की पालन की बात कही गई है। प्रमोद भावना व्यवहार भावना है, माध्यस्थ भावना व्यवहार भावना, करुणा भावना व्यवहार भावना है, और जो मैत्री भावना है वो निश्चय की भावना है। समझना, वो व्यवहार की भावना नहीं है, वो निश्चय की भावना है। पहले निश्चय की भावना फिर व्यवहार की भावना। अब मित्रता नहीं है तो करुणा कहाँ से आएगी, मैत्री नहीं है तो माध्यस्थ कहाँ से आएगा, मैत्री नहीं तो प्रमोद कहाँ से आएगा, फिर तो ईर्ष्या द्वेष आता रहेगा। पहले मैत्री भावना निश्चय की भावना है, फिर बाद की बातें हैं। हम निश्चय को छोड़ दिया हमने, और निश्चय छोड़ दिया तो फिर आत्मा भी नहीं है, आत्मा भी निश्चय में है, व्यवहार में थोड़ी है कोई, व्यवहार में तो पुद्गल की क्रिया, आत्मा की क्रिया थोड़ी है व्यवहार में कोई। हाँ, पहले आत्म तत्व का निश्चय करके फिर व्यवहार की क्रिया की जाती है, क्रिया पुद्गल की है, आत्मा की, आत्मा तो अक्रिय है। व्यवहार व्यवहार धर्म है, पर व्यवहार धर्म में निश्चय नहीं है, इसीलिए वो व्यवहार नहीं है, वो माया दम्भ कपट है। व्यवहार तो पहले किया है पर निश्चय पूर्वक होती है व्यवहार धर्म, वो व्यवहार धर्म प्रशंसनीय है, वो हमें मोक्ष तक ले जाएगा। हर धर्म मोक्ष तक नहीं लेगा, जो निश्चय का धर्म है वो निश्चित करने के बाद फिर व्यवहार का पालन होता है, वो मोक्ष का मार्ग है। निश्चय को छोड़कर व्यवहार का पालन है तो संसार का ही मार्ग है, मुक्ति का मार्ग नहीं है, पुण्य और पाप का मार्ग है। निश्चय का मार्ग मुक्ति का मार्ग है, और पुण्य पाप का मार्ग संसार का ही मार्ग है। पहले निश्चय की बात, सम्यक दर्शन पालन नहीं है, निश्चय है, समझो। सम्यक दर्शन का पालन से संबंध नहीं है, निश्चय से संबंधित है। पालन से क्या ले, पालन तो फिर चारित्र का पालन आएगा, निश्चय ने तो पहले सम्यक दर्शन निश्चय से है। परमात्मा को श्रद्धा पालने का विषय है कि दिल में रखने का विषय है, दिल में रखने का विषय है ना, तो निश्चय तो सम्यक दर्शन तो दिल में रखने की बात है, पालने की बात नहीं है। हाँ, नियत और व्यवहार कितना भी बड़े आडंबर कर लो तुम, कितना बड़ो, अरे दुनिया जानती थी रेवती शराबिका को, महावीर जानता है, उस महावीर ने उसकी नियत देखी है, और महावीर की दृष्टि में नियत का मूल्य है। जहां जहां देखो महावीर ने जहां जहां नियत देखी वहां वहां पहुंच गया महावीर। चंदना की नियत देखी, चंदना के पास पहुंच गया, चंदना का व्यवहार थोड़ी देखा कि उड़द के बाप को नहीं है, व्यवहार में तो उड़द के बाप को नहीं है ना, पर नियत में क्या है। अब ना ओ महावीर आ गया यार, अच्छी रसोई लाओ यार, उड़द के बाप को नहीं, क्या बहरा ने लाओ सी रसोई लाओ यार, महावीर है भगवान ने इसको उड़के बाकुल देंगे क्या, नहीं नहीं दूसरी चीज लाओ। महावीर की नजर चंदना क्या बहरा रही उसके ऊपर नहीं है, क्या उड़द के बाकुल, वो बासी बाकुले यार सूखे हुए बासी बाकुले उड़द के, और अठम उनका महावीर का 6 महीने का पार ना, वो भी बाढ़ से यार, इतना बड़ा तब का पार ना,
वो भरा रही है, महावीर देख रहा है कि उसकी नियत को देख रहा है कि जो बहरा रही है उसको देख रहा है, क्या देख रहा है महावीर ये समझो। भले उसने खीर बोराई तो किया, उसकी नियत देखो ना, शालीभद्र के पूर्व की नियत देखो ना, जो उसके लिए वो भी बराबर है। हमारी दृष्टि में खीर का मूल्य है, उड़द के बाफले का मूल्य नहीं है। खीर का मूल्य क्या, उड़द के बाफले का मूल्य है। और महावीर की नजर देखो, वो तो दे जाए, यदि दोनों के भाव बराबर, नियत बराबर है तो दोनों का मूल्य, और दोनों में नियत भाव नहीं है, नियत नहीं है, सही नहीं है, तो दोनों बेकार की चीज है, व्यवहार है दोनों। वस्तु पहले चाहिए कि निश्चय पहले चाहिए, उसका भाव पहले चाहिए कि भराने की चीज पहले चाहिए, सीधी सी बात है। पहले नियत चाहिए, पहले निश्चय नहीं चाहिए, पहले भाव लाओ। वस्तु तो आ गई पर भाव नहीं है तो क्या। एक छोटा बच्चा जो विधि विधान जानता नहीं है, बस मम्मी को देखा भगवान की अगरबत्ती लेके ऐसे कर रही है, बस वो भी ऐसे भावना से ऐसे कर रहा है, भले उसकी विधियाँ वो व्यवहार को भी जान ही नहीं रहा, और दो व्यवहार में जान वाला वो ऐसे ऐसे कर रहा है, हो सकता है उसका भाव कैसा भी हो, नियत कैसी हो। मूल्य किसका है, नियत का के व्यवहार का। इसका मतलब ये नहीं कि व्यवहार मूल्य नहीं है, एक मिनट, इसका मतलब व्यवहार गुण ऐसा नहीं है। व्यवहार दो तरह के हैं, कितने तरह के, एक व्यवहार जो संसार में मेरा पुण्य का बंधन करे, मुक्ति न दिला मात्र व्यवहार, और एक व्यवहार जो मोक्ष मार्ग की ओर ले जाए। यहाँ नियत शुद्ध होने के बाद जो व्यवहार है वो मोक्ष मार्ग है, यहाँ नियत शुद्धि नहीं है, खाली व्यवहार है, वो पुण्य पाप का बंधन है, संसार का ही मार्ग है। व्यवहार चाहिए, क्या चाहिए, नियत के साथ चाहिए। नियत के साथ, और जहाँ व्यवहार की बात आएगी ना, इसमें आगे मग्गानुसारिया इष्टफल सिद्धि, ये व्यवहार की बात है। और व्यवहार किसी लिए किया जाता है, किसी लिए मात्र दो कारणों से किया जाता है, मात्र दो कारण हैं, मात्र दो कारण हैं, उसको लक्ष्य में व्यवहार किया जाता है, दूसरे की समाधि बनी रहे और खुद की समाधि बनी रहे, वो व्यवहार है, वो व्यवहार है। या समाधि टूट जाए वो बहर व्यवहार का ही कहा, पहले अपनी समाधि बनी रहे व्यवहार ऐसा, मेरी समाधि बनी रहे और दूसरे के साथ व्यवहार ऐसा कि दूसरे की समाधि बनी रहे। मग्गानुसार इष्टफल सिद्धि दोनों व्यवहार को लेकर ही हैं, आगे जो प्रार्थना आने वाली है। व्यवहार यदि समाधि टूट गई तो व्यवहार का ही का, समाधि को बनाए खुद की और दूसरे की दोनों की बनी रहे, इसके लिए व्यवहार। अब मेरी बन रहे मेरे लिए व्यवहार, दूसरे की बन रहे दूसरे, कैसे व्यवहार करूं कि उसकी समाधि टूटे नहीं, समाधि वहाँ बना रहे, वो व्यवहार प्रशंसनीय है, आदरणीय है। और खाली जो व्यवहार है जिसमें से निकल गया निश्चय ने, निकल गया आत्मा, निकल गई नियत, निकल गई तुम्हारी बात में नियत निकल गई, तो व्यवहार वो व्यवहार है। हाँ वो व्यवहार जिसको दिखावा कहते हैं ना, वो व्यवहार दिखावे का है, उसमें प्रेम नहीं है, उसमें प्रेम नहीं है। बच्चे का व्यवहार, दो साल का डेढ़ साल का बच्चा है, माँ के साथ कैसा व्यवहार करता जानता है, जानता है माँ के साथ व्यवहार कैसा करना जानता है। 6 महीने का बच्चा, साल भर का बच्चा माँ के साथ व्यवहार कैसा करना जानता है, नहीं ना जानता, माँ को भी कैसे चांटा लगा देता है, पर उसकी उसकी नियत देखो, वह व्यवहार तो 6 महीने का, 2 साल का बच्चा, 1.5 महीने 1.5 साल का बच्चा व्यवहार जानता है, पर माँ के प्रति, माँ माँ के प्रति प्रेम कितना उसका है, नियत कैसी है माँ के प्रति। और जैसे बढ़ता गया और माँ के प्रति व्यवहार सुधारता गया, और माँ के प्रति भाव बदल गया कि नहीं बदल गया, बोलो। फिर व्यवहार तो अच्छा है, वो तो प्रणाम करना भी जानता, चरणों में झुकना भी जानता माँ के, फिर भी माँ के प्रति व्यवहार के, व्यवहार में तो कुछ भी नहीं है, व्यवहार में तो बातों कपड़ा खींचता है, माँ को चांटा भी लगा देता है, व्यवहार में चांटा भी लगाता है, माँ के कपड़े खींच रहा है, व्यवहार तो ये है, पर उसकी नियत तो देखो कैसी है। माँ के प्रति जो वात्सल्य भाव है, माँ के प्रति प्रेम है, हर जगह कोई भी चीज माँ 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 को पुकार रहा है, और माँ भी उसकी भाषा को समझ रही है। देखो माँ भी क्या समझ रही है उसकी भाषा को, हम उसकी भाषा को नहीं समझ सकते, डॉक्टर उसकी भाषा को नहीं समझ सकता, माँ उसकी भाषा को समझ लेती है। ये भाव की, ये नियति भाव की बात है भाई। डॉक्टर को पूछो, डॉक्टर उसकी बात समझ रहा है, नहीं समझ रहा, और माँ समझ रही है कि नहीं समझ रही, माँ समझ रही है। ये व्यवहार के कारण, नियत के कारण है, स्वभाव के कारण। हाँ चाहिए, चाहिए व्यवहार भी चाहिए, पर कब कैसा किस लिए,
जिस व्यवहार में दम्भ कपट माया न हो, छल परपंच न हो, वह व्यवहार, ऐसा व्यवहार चाहिए। व्यवहार भी आदरणीय है, व्यवहार धर्म है, निश्चित व्यवहार धर्म का पालन। अब देखो, अब जो हम चातुर्मास करके आपको जो प्रचन प्रतिक्रम करा रहे हैं, ये व्यवहार धर्म है कि नहीं? व्यवहार धर्म ही है ना। पर व्यवहार धर्म करके हम क्रिया को भूल तो नहीं गए, उसको याद करके व्यवहार धर्म का पालन, अब हमारा कर्तव्य है, ये व्यवहार धर्म है। अब मैं कह दे आ जाऊँ कि मैं प्रतिक्रम नहीं कराऊंगा, मैं प्रचन नहीं दूंगा, मैं तो प्रचन नहीं कराऊंगा, तो व्यवहार कर लूंगा, नहीं, ये व्यवहार धर्म का पालन है। चाहिए व्यवहार, मना कौन तोड़ रहा है? इस चारे से, इस तरह से हो गया भाई। तो परमात्मा के प्रभावों की चर्चा कर रहा था, हाँ 10 बज गए, ये थोड़ी दूसरी बात है। सबसे ज्यादा पुण्य, और देखो दो चीजें देखो, पुण्य और गुण। परमात्मा के गुण देखो तो, परमात्मा का पुण्य देखो तो, जगत में सारे जीव इकट्ठे हो जाएं, सारे जीव इकट्ठे हो जाएं तो भी ऐसा पुण्य नहीं होगा और ऐसा गुण भी नहीं होगा। कैसा बड़ा गुण देखो, ये सबसे, ये आज तक हमको चमत्कार नहीं लगा। एक लाइन में परमात्मा की परिभाषा कहूँ, भगवान एक लाइन में कहूँ, बहुत अलग अलग अपेक्षाओं से हैं। और परमात्मा का प्रभाव ऐसे नहीं है, परमात्मा का प्रभाव द्रव्य नामक, द्रव्य स्थापना, नाम स्थापना, भाव स्थापना, नामक द्रव्य, द्रव्य स्थापना, नाम, आकृति, द्रव्य, चार निक्षेप हैं। चार निक्षेपों से परमात्मा का प्रभाव देखो, नाम, नाम स्थापना, आकृति स्थापना, द्रव्य स्थापना और क्षेत्र स्थापना, चार निक्षेप कहे गए हैं। ये जो अपना हेमचंद्राचार्य जी ने सकलार्थ में कहा है, नाम, आकृति, द्रव्य, भाव, पुनः से जन्म, क्षेत्र काले चरत संवास में है, चाहे उससे परमात्मा का प्रभाव देखो, परमात्मा का गुण देखो और ये देखो। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। परमात्मा क्या चीज़ है? आज तक हम चमत्, देखो दूसरी बात कह रहा हूँ, हमारी नज़र चमत्कारों पर भी हो रहो कोई बात नहीं, पर चमत्कार भी देखो, परमात्मा के चमत्कार देखो। हम परमात्मा के चमत्कार नहीं देख रहे, वो नीचे देख, चमत्कार भी हैं, उसके गुण भी हैं, चमत्कार है। इतना बड़ा चमत्कार परमात्मा जैसा किसी के पास, इंद्रों के पास भी नहीं है। हम तुम्हारी जिनके पास इतनी बैकरी लब्धि हैं उनके पास भी ये चमत्कार नहीं है। इसीलिए कहा गया प्रार्थना से, हैं हैं हैं, हाँ, नहीं नाम देखो, परमात्मा के नाम क्षेत्र के कारण भी हैं, गुणों के कारण भी हैं, चमत्कारों के कारण भी हैं, बहुत सी हैं। 1008 नहीं, 1008 नाम है, हाँ हाँ हाँ, हाँ तो मेरे कहना क्षेत्र के नाम से है ना, वो क्षेत्र के नाम से है, परमात्मा के नाम क्षेत्र के नाम से है, कोई क्षेत्र के नाम से है, कोई गुणों के नाम से है, कोई प्रतिमा के नाम से है। अब नवखंडा, नवखंड की प्रतिमा जी नवखंडा कह दिया, हाँ हाँ, वो शंखेश्वर, वो क्षेत्र के हिसाब से है, सबसे अलग अलग है ना, ये अलग अलग है ना, ये पुण्य, पुण्य प्रकृति उसकी परमात्मा। और एक चलो बातें बाद में करेंगे, याद आ रही थी समय पूरा हो जाएगा, सुधर पूरा हो गया तो आज कल की सूचना मैं देता हूँ। एक मिनट, आज एक बड़ी खुशी की बात है भाई, बहुत खुशी की बात है। और खुशी की बात, सबसे पहले मैं अपनी ओर से अपने साथी मुरा साधु मंडल की से और पूरी साध्वी मंडल की ओर से और ट्रस्ट मंडल की ओर से और पूरे चतुर्वी संघ की ओर से एक सबको बधाई भी देता हूँ, सुख साथ पूछता हूँ। आज हमारा शांति सप्ताह पूरा हो गया, तो तपस्वियों को बधाई भी, तपस्वियों को, सभी तपस्वियों को, सभी की ओर से साधु मंडल, साधी मंडल, ट्रस्ट मंडल और पूरा चतुर्संघ, पूरे संघ की ओर से उनको सुख साथा भी पूछती हैं। सभी तपस्वियों को सुख साथा भाई, सुख साथा में, हाँ। और आज और बधाई भी, आपका तो पूरा हो गया, बहुत खुशी की बात है भाई। चालू किया था एक दिन, आज किनारा आ गया, शिखर पर चढ़ना चालू किया था, आज शिखर की चोटी को अब छीन लिया हमने। आज अंतिम उपवास, और इस उपवास में बहुत अच्छा शांति से रखा, शांति सब तब किया है, शांति किया है, ये तो कभी बातें करेंगे, पर आज मिल गया सुख साता पूछ ले। और इस तपस्या में, इस तपस्या के दरमियान हमारे साधु बनने कोई क्रिया आदि कराने में, विधि आदि कराने में, हैं, हमारी ओर से
कोई भूल हुई हो, शादी मंडल से कोई भूल हुई हो, ट्रस्ट मंडल से कोई भूल हुई हो, संघ से कोई भूल हो, तो सभी की ओर से मैं पूरे आराधक तपस्वी भाई बहनों से मिच्छामी दुक्कड़म भी कर लेते हैं। हाँ, मिच्छामी दुक्कड़म भी कर ले, सही बात है ना, सभी की ओर से, सभी की ओर से, सभी की गलती मेरी गलती है भाई। मैं इसीलिए मैं सभी की गलती को अपनी गलती मानकर मैं सबसे मिच्छामी दुक्कड़म और सभी की ओर से बधाई भी देता हूँ, शुभकामना भी देता हूँ कि तपस्या की पूर्णा के, और माफ़ी भी मैं मांगता हूँ सभी की ओर से।